और उसमें अपन बात करने वाले हैं टर्नओवर रेशियो के बारे में। कौन से टर्नओवर रेशियो? ये वो रेशियो है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही वो रेशियो है जिनमें आप लोगों को दिक्कत आती है। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा, दिन नंबर 17, और 17 का खतरा कैश फ्लो हमारा। भाई आज अपन पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी सर प्रपोज्ड डिविडेंड। कुछ भी नहीं था करंट ईयर का, ऐड कर लो क्या नेट प्रॉफिट के बाद, नेट प्रॉफिट बिफोर लाने के लिए, और प्रीवियस ईयर का माइनस कर लो इन फाइनेंसिंग, दैट इज इट। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है प्रपोज डिविडेंड के अंदर। अब देखो भाई, कैश फ्लो में पढ़े कैसे, सर कैश फ्लो का रिवीजन कैसे कराएंगे? देखो कैश फ्लो के रिवीजन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कैश फ्लो के रिवीजन में सर क्या पूरा कराएं, सर फॉर्मेट बनाएं, सर क्या बताएं? तो भाई कैश फ्लो का रिवीजन करते समय मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला, अकाउंट फॉर्मेशन, किस तरीके से आपको अकाउंट बनाने हैं और कब किसके अकाउंट बनाने की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और दूसरा फॉर्मेट कैसे बनाते हैं एंड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और भाई सीधी सी बात है, कैश फ्लो करते टाइम आपका आंसर तो आपको पहले से पता है, ठीक है? कैश फ्लो का आंसर आप लोगों को पहले से पता है कि भाई कितना आने वाला है। तो यहां जो मेन फोकस हमारा है वो ये है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाने वाला है। देखो आज अपन अटेम्प्टेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? कल अपन अकाउंट फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखो, व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो, आपको क्वेश्चन को 4 से 5 टुकड़ों में तोड़ लेना है। आपको पता है 3-4 चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंसिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पहले आता है, फाइनेंसिंग बाद में आता है, ठीक है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये 3 चीजें। पर इन 3 के अलावा 2 और होती है, क्या? एक होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, जिसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन आ गए, लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है? और एक होता है आपका वर्किंग नोट वाला पार्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे लाने वाला पार्ट। अब समझना, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ क्वेश्चन, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले करो पूरा रीड, बैलेंस शीट पता है, बैलेंस शीट से देखिए क्वेश्चन को पूरा रीड करो। आफ्टर रीडिंग रफ में आप क्या करेंगे, इन 5 के आगे कितने कितने एडजस्टमेंट है वो लिख लो, कितने कितने एडजस्टमेंट है वो लिख लो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडजस्टमेंट आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कैश फ्लो के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप लोग करते तो हो पर कंफ्यूज जाते, सर हमने जगह इतनी छोड़ी अमाउंट सिर्फ इतने ही आ रहे, या हमने जगह इतनी छोड़ी अमाउंट इतने सारे आ रहे। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट नहीं किया है। मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूं कैश फ्लो का तो क्या करता हूं, हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं और बैलेंस शीट पढ़ते समय ये देखते रहते हैं कि कौन सी चीज कहां आने वाली। जैसे शेयर कैपिटल आ गया भाई, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो शेयर कैपिटल के आगे फाइनेंसिंग का एफ लिख दिया, ठीक है? एसेट्स वगैरह कुछ आ गया तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वहां लिख दिया। करंट एसेट्स आ गए तो करंट एसेट्स ऑपरेटिंग का पार्ट है, वहां लिख दिया। डेप्रिसिएशन आ गया तो इसका पार्ट है, यहां लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया तो इसका पार्ट है, हमने यहां लिख दिया, ठीक है? आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू रीड आउट दिस एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमेशा याद रखें कि आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ते समय ये लिखते हैं कि कौन सी चीज कहां आने वाली है और उसके बेसिस पे आपको सारा काम करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैलेंस शीट का मैं एग्जाम्पल लू, जैसे देखो शेयर कैपिटल, खुद बताना शेयर कैपिटल का आता है फाइनेंसिंग, तो शेयर कैपिटल क्वेश्चन में मिला आपने एफ लिख दिया, ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट में आता है तो आप वर्किंग नोट का नाम लिख दोगे आगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग, ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरिंग या करंट एसेट आपका ऑपरेटिंग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे हमेशा एक चीज का याद रखें, क्वेश्चन रीड करते समय आप उसके आगे ब्रैकेट में चीजें लिखने की, वो ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है, नॉन कैश है या वर्किंग नोट है। ये 5 चीजों में कैटेगराइजेशन कराना बहुत फायदेमंद रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखें, ये बैलेंस शीट में आपको नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट तो पता है कि भैया क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट मिल जाता है,
अगर किसी भी चीज के आगे whether it's रिजर्व एंड सरप्लस, इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इट्स फिक्स्ड एसेट्स या कुछ भी होगा और उसके आगे आपको ये चीजें मिल जाती है यानी कि नोट, तो आपको क्या करना है इन बैलेंस शीट आप यहां लगाओ क्या बड़ा सा क्रॉस. What does this cross mean? This cross means कि आपको ये अमाउंट यहां नहीं देखना है, ये अमाउंट आपको वर्किंग नोट में चेक करना है. कैश फ्लो करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन का अटेम्प्टेशन किस तरीके से होगा. बहुत आसान होता है कैश फ्लो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ आंख से देखकर लिखने का काम है, सिर्फ देखना है और लिख देना है, सिर्फ देखना है और लिख देना और कुछ नहीं करना. इतना आसान क्वेश्चन होता है, इसमें तीन अकाउंट बनते हैं, तीन अकाउंट ऊपर कल समझेंगे तीनों के तीनों. ठीक है, आज मेरे को ये बताना है कि भाई क्वेश्चन बहुत आसान होता है पहली चीज. दूसरी चीज, अपन फॉर्मेट पर आ जाते हैं. ठीक है, फॉर्मेट किस तरीके से करना है और क्या सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, चलो तो कैश फ्लो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मैं एक बार फॉर्मेट आपको ओवरव्यू करा देते हैं ताकि आप लोग भी ध्यान रखी भैया फॉर्मेट में क्या क्या आता है. ठीक है, तो कैश फ्लो की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, जो कि आपको कहां मिलेगा उसको वर्किंग नोट से सॉल्व आउट करना पड़ेगा. कैसे, चलो देखते हैं कंप्लीट फॉर्मेट कैश फ्लो का. अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें और पुस्तकों में से कैश फ्लो का फॉर्मेट निकाल लें. ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों ने बहुत आराम से कैश फ्लो का फॉर्मेट निकाल लिया होगा, अपने लिया निकाल लिया है. तो कैश फ्लो की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से. किससे शुरुआत होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. यहां से मैं लिख भी देता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. यहां तक पहुंचने का तरीका, यहां तक पहुंचते हैं वर्किंग नोट से. जब अपन ने वर्किंग नोट का पहला पार्ट था ना, वहां से शुरुआत करते हैं. तो वर्किंग नोट नीचे बनेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, यहां फॉर्मेट होता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दोनों साल के बीच का बैलेंस. इसमें होती है कई सारी चीजें ऐड, एक एक करके चीजों का मतलब समझते हैं और देखते हैं क्यों ऐड होती है. सबसे पहले आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि जो आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसका बैलेंस आता है ताकि प्रॉफिट अपन निकाल सके. नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व. जितना भी पार्ट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो सबका सब आप वापस जोड़ लेते हैं. क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो कैश का आउटफ्लो नहीं. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश. ठीक है, ट्रांसफर करा आपने रिजर्व में 1,50,000 रिजर्व में डाल दिए, इससे कंपनी के कैश वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, इसके बाद इस साल का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर दैट इज प्रपोज डिविडेंड. करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप एडअप करेंगे इसके अंदर. क्यों, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया गया है कि डिविडेंड देंगे, यानी बोला गया है कि डिविडेंड देंगे. इस साल का 2018 और 17 दे रखा है, तो 2018 का जो डिविडेंड है वो करंट ईयर का माना जाएगा और वो अगले साल उसकी पेमेंट होगी. तो आप इस साल उसको ऐड करेंगे और अगले साल उसको माइनस कर देंगे, तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड हो जाएगा यहाँ पे. प्रीवियस ईयर का यानी होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा फाइनेंसिंग. ठीक है, इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स सिमिलर वे सिमिलर एडजस्टमेंट यहां होगा, इस चीज का ध्यान रखें. ठीक है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग करंट ईयर. हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है रिफंड ऑफ टैक्स जो आपके नहीं पूछते, और उसको निकालने से ये सारे एडजस्टमेंट करने से आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. अब यहां पे आप क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को संभालेंगे. कौन से, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वो जो कि कैश के नहीं है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और नॉन ऑपरेटिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन बोरिंग वगैरह जो कि ऑपरेटिंग के नहीं है आपके फाइनेंसिंग के है. तो यहां पे हम नॉन कैश के एडजस्टमेंट करेंगे. देखो गिनी चुनी चीजें कुछ भी नहीं होता. क्या क्या है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश है वापस जुड़ जाएगा. डेप्रिसिएशन से क्या है, प्रॉफिट डाउन हो गया पर एक्चुअली ये नॉन कैश था. उसके बाद गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज ना कम होना, अगर बिल कम हो रही है तो आगे हम उसको लिख देंगे. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्योंकि ये यहां का नहीं है. ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्यों ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि उसका नहीं है. ठीक है, इंक्रीज इन पीबीडी, ये हो गया एडिशन का पास. इसका जस्ट सपोजिट क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन का पास, यानी कि इन क्या कहते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, डिक्रीज इन पीबीडी या किसी भी तरह की कोई. सिर्फ इतने ये पार्ट है जो कि आपको कंफ्यूजिंग फैक्टर बताता है. क्यों, क्योंकि यहां हमने वो सारी चीजें जोड़ी या हटाई हैं जो कि ना तो ऑपरेटिंग की थी, ना इन्वेस्टिंग की थी, ना फाइनेंसिंग की थी.
अभी आप लोगों ने छाटने का काम किया है, वर्किंग नोट और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग का जो काम है ये छाटने का काम। इसके बाद आपका पूरा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का आ जाता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो सब इसमें आ जाएगा। अगर एसेट्स बड़े हैं तो कम हो जाएंगे, कम है तो बड़े, यानी डिक्रीज इन एसेट्स, लॉजिक भी बताऊंगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है या डिक्रीज इन एसेट्स है, डिक्रीज ही तो होता है ये, इसको हम करते हैं ऐड। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बढ़ रही है, तो एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब इनफ्लो हुआ, एसेट्स कम हुए, एसेट्स कम हुए। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कम हुए हैं तो बढ़ा दो, लाइबिलिटी बढ़ी है तो और बढ़ा दो, उल्टा होता है, एसेट्स कम है तो बढ़ा दो, बढ़े हैं तो कम कर दो, और यहां उल्टा, ये ऐड होगा ये लेस होगा। ऑपरेटिंग का पार्ट ये वाला है, उससे ऊपर वाला जो था वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके में से माइनस होगा क्या, इनकम टैक्स पेड। अब समझो यहां पे फाइनल आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब समझो यहां पे आपका पहला अकाउंट आता है, जो कि मैं आज ही समझाऊंगा आपको, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट या फिर इनकम टैक्स पेमेंट का अकाउंट। देखो दो चीजें अपन ने यहां की थी, जब अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वहां अपन ने क्या किया था, ऐड किया था क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, वहां अपन ने क्या किया था, ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहां इनकम टैक्स पेड जो है वो अपन ने माइनस किया। अब कौन से हैं ये दोनों, कहां मिलेंगे समझो, इट्स अ लाइबिलिटी पार्ट, ना ये दो चीजें हैं आपकी, तो इन दो के अंदर कौन सी चीज यहां आएगी, कौन सी चीज यहां आएगी, ये समझना ध्यान से। देखो 2017 में जो प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, इफ नो थर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में रिलेटेड टू टैक्स पेड या प्रोविजन, तो आपका क्या मानना है कि पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था वो टैक्स में दे दिया है, पिछले साल जो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया था वो दे चुके हैं, और इस साल जो प्रोविजन बनाया है वो अगले साल दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि कैश का ऑफर नहीं हुआ इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर यानी नए साल का यहां पे ऐड कर दूंगा, और पिछले साल का जो भी होगा वो यहां पे माइनस हो जाएगा। समझना ही पहली चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान समझो, कब जरूरत पड़ती है आप लोगों को इनकम टैक्स का अकाउंट बनाने की, कब जरूरत पड़ती है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने की, समझना है। मैंने अगर आप लोगों ने मेरी कैश फ्लो की वीडियो देखी तो समझ गए होंगे, नहीं समझा तो ध्यान से समझना इस चीज को। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इस साल का दे रखा है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर को यहां ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर को यहां माइनस कर दिया, पहली चीज। बट अगर आपको क्वेश्चन के एंड में यह दिवन है इनकम टैक्स पेड, नाउ व्हाट विल यू डू, अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे दिक्कत यह है कि इनकम टैक्स पेड आप इसको नहीं लिख सकते, इसको आप इनकम टैक्स पेड नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है कि इनकम टैक्स पेड जो है वो 30,000 रुपए, समझो अगर इन दो के अलावा कोई भी तीसरी चीज आपको मिल जाती है, भले ही वो इनकम टैक्स पेड हो या प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर गिवन हो या करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, कितना भी मान लेते, मान लो 20,000 के, ये भाई या ये भाई, इन दोनों में से दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप इसको ना तो यहां लिखेंगे और ना यहां लिखेंगे, तो हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर तीसरी चीज मिलती है तो
अकाउंट फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तीसरी चीज नहीं मिलती है तो अकाउंट फॉर्मेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज इट। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखो बड़ा आसान होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, एक कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कौन सा, पिछले साल वाला, कितना है मान लो 60,000। टू बैलेंस सीडी, इस साल का करंट ईयर 50,000। नाउ अंडरस्टैंड, चार चीजें इसके अंदर आती हैं, बैलेंस बैलेंस खत्म, उसके बाद दो चीजें और आएगी, क्या कितना दिया और कितने का टैक्स बना। यानी कि एक चीज यह आती है टू बैंक इनकम टैक्स पेड, और यहां पे आता है प्रोविजन, यहां पे क्या आता है आपका करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते चलो, क्वेश्चन नहीं है ऐसे कर ले, चलो ऐसे कर लेते, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है, करंट ईयर का प्रोविजन। अब समझो, हमें इन कैश फ्लो, इन दो चीजों की पोस्टिंग करनी होती है, एक इनकम टैक्स पेड यहां पे, एक करंट ईयर का प्रोविजन यहां पे, यानी कि वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट के अंदर एक ऑपरेटिंग पीरियड में, ये दोनों का पेमेंट करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है तो आप ऑटोमेटिकली क्या समझेंगे, ये पूरा का पूरा पे हो गया, यानी कि यहां आ गया, और ये साल का प्रोविजन तो यहां गया। रेदर देन दैट, क्वेश्चन में कोई तीसरी चीज आपको मिल गई, जस्ट फॉर एग्जांपल मानते हैं ये नहीं है, ये मिल गया इनकम टैक्स, तो इट मींस आपको बनाना पड़ेगा खाता, और ये दोनों भाई बने रहेंगे पहरेदार। क्या बने रहेंगे, ये दोनों भाई बने रहेंगे पहरेदार, ये दोनों बन के पहरेदार, और बाकी जो पोस्टिंग होगी ना ये जाएगा ना ये जाएगा, पहरेदारों की पहरेदारी में, पहरेदारों की पहरेदारी में काम होगा। क्या काम होगा, लेट्स चेक इट आउट। हाँ, 30,000 का इनकम टैक्स पेड है, तो यहां आपको बैंक करके इनकम टैक्स पेड कितना लिखेंगे, 30,000। नाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैलेंस, 80,60,20,000 का ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये मैंने बैलेंस निकाला है। अब आप पोस्टिंग किसकी करेंगे, आप पोस्टिंग इनकम टैक्स पेड में ना 60 करेंगे ना 50 करेंगे, 30 करेंगे, और करंट ईयर प्रोविजन में आप पोस्टिंग ना 50 करेंगे ना 60 करेंगे, आप 20 करेंगे। समझ में आया, कब फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको, फॉर्मेट की आपको अकाउंट की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी जब आपके पास पहरेदारों को छोड़कर तीसरा कोई अंदर का आदमी हो। इनकम टैक्स पेड है तो यहां लिखो, बैलेंस निकालो, करंट ईयर प्रोविजन आ जाएगा। अगर करंट ईयर प्रोविजन की है तो वो यहां लिखा जाएगा, बैलेंस लिखा देंगे, इस तरह बैलेंस कम आता है आ जाएगा। समझ में आ गया, जिस तरफ बैलेंस कम आएगा आप उस तरफ लिखेंगे, इस तरफ आ रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उस तरफ आ रहा है तो टू का, दैट इज इट। समझ में आया, तो भाई ये कैश फ्लो का फर्स्ट अकाउंट है जो कि आपको बनाना। ठीक है, आज फर्स्ट अकाउंट ही समझा रहा हूं मैं, कल अपन दो अकाउंट और पढ़ेंगे। और एक और चीज, बस इतना ही बहुत है आज के लिए, ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है, तो भाई कैश फ्लो का फर्स्ट अकाउंट मैंने समझा दिया है, कल अपन दो अकाउंट और पढ़ाएंगे, कौन सा, मशीनरी वाला समझा दूंगा और बाल बना दे, एक और अकाउंट समझाना है जब अपन प्रोविजन फॉर, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट समझाना है। एट लास्ट कैश फ्लो का आंसर तो विश्वव्यापी है, क्वेश्चन देख के उत्तर निकालने वाली कला आप में है, हम में भी है। ठीक है, तो कल उस कला को भी एक बार ऑफिस से आखिर दिन निखार लेंगे और देखते हैं कि क्या क्या रह जाता है। ठीक है, तो चलिए जरूर कमेंट करना कि कल की वीडियो में और क्या क्या चाहते हो कैश फ्लो से रिलेटेड। कैश फ्लो का अगर कंप्लीट क्वेश्चन कराने की बात करेंगे, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, कई सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ठीक है ना, तो यहां मैं ट्रिक्स बता देता हूं, मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में मदद करेगी। टैक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर एड, फाइनेंसिंग में लेस प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, चलिए तो कल दो अकाउंट और सीखेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले कैसे होते हैं, कहां क्या कब कैसे बनाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल मुलाकात होगी, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।